हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। मेरा नाम है रयान और आज की वीडियो में मैं अनबॉक्स और टेस्ट करने वाला हूँ डिजिटल माइक्रोस्कोप। इस माइक्रोस्कोप को हम लोग अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और पीसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर जो सेंसर दिया गया है 20 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है और 30 FPS पे आप इसके अंदर जो वीडियोस या फिर फोटोज देखते हो उसे रिकॉर्ड भी कर सकते हो, ऐसा यहाँ पे लिखा है। तो आज पूरी तरीके से टेस्ट करके देख लेंगे क्या ये माइक्रोस्कोप सच में 20 मेगापिक्सल का है कि नहीं। तो बॉक्स देख सकते हो, इस तरह के बॉक्स में मिला है मुझे ये माइक्रोस्कोप। इसे मैंने खरीदा है अमेजोन से, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप भी चाहे तो खरीद सकते हो। तो भाई साहब, ये जो माइक्रोस्कोप है हम कहां कहां पे यूज कर सकते हैं, यहां पे सारी चीजें लिखी गई है, जैसे कि स्किन इंस्पेक्शन की तौर पे, हेयर इंस्पेक्शन, एजुकेशनल पर्पस पे यूज कर सकते हैं और भी ढेर सारी चीजें, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। बॉक्स के पीछे यहाँ पे हमें QR कोड देखने को मिलता है। इस QR कोड की मदद से हमें एक ऐप डाउनलोड करना होता है, वो ऐप भी किस तरह से डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना और वीडियो पसंद आई तो वीडियो पर जरूर से लाइक भी कर देना। दोस्तों, यहाँ पे इसके ढेर सारे स्पेसिफिकेशंस भी दिए गए हैं, जैसे कि इमेज सेंसर इसके अंदर CMOS दिया हुआ है, इमेज रेजोल्यूशन 1920x1080 यानी कि फुल HD इमेज रेजोल्यूशन है, फ्रेम रेट 30 FPS है, AVI फॉर्मेट है और भी ढेर सारी चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है विंडोज 7, विंडोज 10 सपोर्ट करता है और एंड्रॉइड भी सपोर्ट करता है। तो इसके अंदर बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी मैग्निफिकेशन जो है 200, 500, 800, 1000x भी आती है। तो मैंने ये जो खरीदा है 1000x वाला मॉडल खरीदा है, 1200 का भी होता है, 1600 का भी होता है। तो चलो दोस्तों, बिना वक्त वेस्ट किए फटाफट से इसको निकाल लेते हैं बॉक्स से बाहर और इसे टेस्ट करके भी देख लेते हैं क्या ये सच में अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। दोस्तों, आपने अभी तक चटपट टॉय टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकॉन भी दबा देना और ऑल नोटिफिकेशंस को भी जरूर से ऑन कर देना, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूं वो वीडियो आप सबसे पहले देख सको। तो भाई, इतनी सारी चीज़ें देखने को मिल रही है इसके अंदर से। ये कुछ कैप वगैरह लग रहा है इसका, माइक्रोस्कोप का, इसे भी रख देता हूँ मैं। तो भाई, ये जो केबल है मैंने इसके अंदर रखा है, इसे मैंने सेपरेटली खरीदा हुआ है, तो इस तरह का केबल आपको देखने को नहीं मिलता है इसके अंदर। अगर आपके मोबाइल से इस माइक्रोस्कोप को आप कनेक्ट करना चाहते हो तो इस तरह का केबल आपके पास होना ही चाहिए। तो ये जो केबल है 50 रुपीज़ में मिल जाता है। यहाँ पे एक ड्राइवर्स की CD देखने को मिलती है, ये हमें PC में डाउनलोड करना होता है इसके ड्राइवर्स। तो और कुछ नहीं है इसके अंदर, तो इसे रख देते हैं साइड में। तो दोस्तों, ये रहा हमारा डिजिटल माइक्रोस्कोप। काफ़ी बड़ा केबल दिया हुआ है इन लोगों ने इसके साथ और केबल भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो, इसे हम चाहे तो डायरेक्टली PC के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लो हमें मोबाइल में कनेक्ट करना है तो इस तरह का केबल होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल माइक्रो USB टाइप भी सपोर्ट करता है तो आपको वो वाला केबल खरीदना चाहिए। तो ये रहा इसका टाइप पॉड, देख सकते हो गाइस, काफ़ी बढ़िया ट्राइपॉड है और पूरी तरीके से मेटल का बना हुआ है ट्राइपॉड। यहाँ से इस ट्राइपॉड को आप एडजस्ट भी कर सकते हो इस तरह से। तो चलो अभी इस माइक्रोस्कोप को लगा लेते हैं इसके अंदर। यहाँ पे आपको एक कट नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर लगाना होता है इसे, इस तरह से फिक्स हो जाता है ये। तो यहाँ से आप जूम एडजस्ट कर सकते हो इसका, देखेंगे जूम होने के बाद ये कितनी अच्छी तरीके से काम करता है। यहाँ पे एक जूम का स्विच भी दिया हुआ है और यहाँ से आप स्नैप भी कर सकते हो, यानी कि फ़ोटो भी ले सकते हो आप जो चीज़ देख रहे हो। काफ़ी बढ़िया क्वालिटी लगी मुझे, खास करके इसके ट्राईपॉड की। तो चलो दोस्तों, अभी मेरे मोबाइल से इसे कनेक्ट कर लेते हैं। ऐप को डाउनलोड कर लिया है मैंने, ऐप का नाम है HVCAM। तो इसे ओपन कर लेते हैं, तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है इस ऐप के अंदर। तो चलो अभी हमारे माइक्रोस्कोप को इसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे हम इसे कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो LED लाइट्स दी गई है इसके अंदर। तो इस LED लाइट्स को आप यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हो इस तरह से, पूरी तरीके से बंद भी कर सकते हो या फिर इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो यहाँ से, इस नॉब से। तो यहाँ से इसको ओके कर देते हैं। ओके, तो दोस्तों अभी ये कनेक्ट हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, माइक्रोस्कोप को मैंने कनेक्ट कर दिया है मेरे मोबाइल के साथ। अभी हम इस लीफ को जूम करके देखने वाले हैं इस माइक्रोस्कोप के नीचे, देखते हैं कितनी अच्छी से नजर आता है लीफ। तो यहाँ पे रख देता हूँ इसे मैं। तो यहाँ से हम इसका फोकस जो है एडजस्ट कर सकते हैं, तो इसको अभी थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं। हाँ भाई गाइस, देख सकते हो अभी ये जो लीफ है इतना जूम होके नजर आ रहा है हम लोगों को।
पर इसकी जो फुटेज है उतनी ज्यादा स्टेबल नहीं है यार। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप इतना जूम कर सकते हो इसे, और थोड़ा जूम करके देखते हैं। इसको एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है यार, फुटेज जो है उतनी ज्यादा स्टेबल नहीं है, काफी शेकी सी फुटेज आती है इसके अंदर। आप चाहे तो इस फुटेज को रिकॉर्ड भी कर सकते हो, यहाँ का रिकॉर्ड का बटन आपको नजर आ रहा होगा, और फोटो भी खींच सकते हो यहाँ से। चाहे तो आप यहाँ से इसका रेजोल्यूशन भी चेंज कर सकते हो इस तरह से। यहाँ पे रेजोल्यूशन दिखा रहा है, पर यहाँ पे देख सकते हो आप 640x480 नजर आ रहा है। तो कुछ और चीज इसके नीचे जूम करके देखते हैं हम लोग अभी। अभी दोस्तों माइक्रोस्कोप के नीचे मैंने एक चीटी रखी है, तो अभी इसके ऊपर जूम करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो इसकी फुटेज किस तरह से नजर आ रही है। ओ भाई साहब, काफी ज्यादा डेंजरस सा नजर आ रहा है ये चीटी। ओहो, ये जो है इसका हेड है देख सकते हो। अरे भाई साहब, अभी ये जिंदा है यार। तो थोड़ा सा मूव कर लेते हैं यहां से। ये है इसका नेक, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हो गाइस, कितना ज्यादा डेंजर नजर आ रही है यार इसके अंदर से ये जूम करने पर। और ये रहे इसके लेग्स। ओ भाई साहब, काफी खतरनाक सा है ये देखने में। वाव, तो उसके माउथ के ऊपर थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा मुझे। अभी देखना गाइस, ये है इसके आईज। ता यार, ये है इसका माउथ। वाव, तो भाई माइक्रोस्कोप जो है जूम करने की इसकी कैपेसिटी काफी अच्छी है, पर फुटेज जो है थोड़ा सा टाइम लेता है एडजस्ट करने में। ओवरऑल माइक्रोस्कोप जो है मुझे ठीक ठाक सा ही लगा। तो अभी मेरी स्किन के ऊपर भी ये माइक्रोस्कोप रख के देखते हैं। तो अभी मेरे स्किन के ऊपर लगा रहा हूं मैं इसे। ओहो, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं इसे। ओहो गाइस, देख सकते हो ये है मेरे हेयर्स। वाव, नीचे स्किन भी नजर आ रही होगी। वाव, काफी इंटरेस्टिंग है ये माइक्रोस्कोप। अभी देखो गाइस, ये ज्यादातर जो है अभी मेरे स्किन के ऊपर जो हेयर है, हेयर के ऊपर काफी अच्छे से फोकस किया है इसने। अभी जो हेयर से ये वायर्स की तरह नजर आ रहे हैं इतने बड़े बड़े। तो स्किन के ऊपर जहां पे हेयर्स नहीं है वहां पे रख के देखते हैं अभी से। थोड़ा सा एडजस्ट करता हूं अभी से मैं। ये रही गाइस मेरी स्किन, अब देख सकते हो यार कितना ज्यादा जूम किया है इसने। वाव, एकदम जबरदस्त माइक्रोस्कोप लगा मुझे। पर इसका जो ऐप है थोड़ा सा गड़बड़ लगा मुझे, ऐप जो है सही से काम नहीं करता है। ज्यादातर तौर पर ये जो ऐप है फ्रीज हो जाता है यार। माइक्रोस्कोप काफी बढ़िया है दोस्तों। माइक्रोस्कोप जो है काफी अच्छे से काम कर रहा था जहां तक मैंने इसे जूम करके देखा है, पर मेरे को ये जो माइक्रोस्कोप है 1000x नहीं लगा, 200x होगा जरूर से। और एक दिक्कत है इसका ऐप, ऐप सही से काम नहीं करता है, काफी ज्यादा बार फ्रीज हो जाता है ऐप, ये एक प्रॉब्लम लगी। और इसकी जो सबसे अच्छी बात लगी, ये जो माइक्रोस्कोप है डिजिटल माइक्रोस्कोप है, इसके अंदर आपको कोई भी आई वगैरह लगा के देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप डायरेक्ट इसे मोबाइल से या फिर पीसी से कनेक्ट करके कोई भी चीज़ जूम करके देख सकते हो। ओवरऑल स्टडी पर्पस के लिए माइक्रोस्कोप मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप इसे खरीद भी सकते हो। तो चलो दोस्तों, अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि मेरे RC बाइक का कलेक्शन वीडियो बनाने के लिए, तो वीडियो मैंने बना दी है कल ही। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो यार जाकर जरूर से देख लेना। तो यहाँ पे सबसे पहला नाम आ जाता है हिमांशी यादव, आरव पटेल, विशाल गुप्ता, नागेंद्र गुप्ता, अनिकेत दे, गोविंदा भट्टाचार्य,
दिव्यांश, मिस्टर वाईटी, बर्नाली दास, ईशान कांसाल, थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शॉर्ट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों, ताकि मैं आपको ही शॉर्ट आउट दे सकूँ। नेक्स्ट वाली वीडियो में भी मैं 10 लोगों का नाम सेलेक्ट करूंगा जो भी यहाँ पे अच्छे से कमेंट करेंगे और इस वीडियो पर लाइक करेंगे। आज की वीडियो यहीं पर होती है एंड, मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में और इसी तरह कुछ धमाकेदार गैजेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।